दोस्त रोहन। गाइस, मैं जैसे कि आपको पता हूँ लगभग 2 साल से एक ई-कॉमर्स का बिजनेस कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। सो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों, कभी कभी क्या होता था, मैं जब अपने सेल्स के स्नैपशॉट जो है वो शेयर करता था सोशल मीडिया पे, और मुझे रिवर्ट बैक आते रहता था कि तू कौन सा बिजनेस कर रहा है, या तो कोई तेरा अमेजोन के साथ में कोई डिलीवरी सर्विस है, या कोई तूने फ्रेंचाइजी लेकर रखी है अमेजोन की, और एनीथिंग एल्स। सो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी वो बिजनेस नहीं है, वो सिंपली एक अमेजोन सेलर पार्टनर का एक बिजनेस है, जिसमें कि मैं एनरोल्ड हूँ, मैं ऑप्टेन हूँ इसमें, और मैं अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल कर पा रहा हूँ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे। सो यही बात दोस्तों बताने के लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है ये वाला अपने चैनल पे, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने कंटेंट में क्या क्या आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, लाइक ई कॉमर्स से लेकर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, और टेक्निकल एस्पेक्ट जो रहेंगे बिजनेस के वो, और न्यूज़ और रिव्यूज को लेकर। सो क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा भी एक बिजनेस हो, हमारा भी एक ऑनलाइन स्टोर हो, हमारा भी एक अदर एक इनकम ऑफ सोर्स हो, जिससे कि हम अपना एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर पाए और खुद भी ग्रो कर पाए और फैमिली को भी ग्रो कर पाए। सो अगर बिजनेस ही करना है तो वो अगर बिजनेस ऑनलाइन हो तो किससे अच्छा क्या हो सकता है। सो ऑनलाइन में क्या होता है दोस्तों, आपको फिजिकली कोई भी स्टोर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से अगर बिजनेस करना चाहते हो तो घर से भी आप बिजनेस कर सकते हो। इसमें आपको सिंपली आपके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डालने पड़ते हैं और सेल करना पड़ता है, और जैसे जैसे ऑर्डर आता है वैसे वैसे वो कुरियर गाइज रहते हैं, वो घर पे आते हैं और प्रोडक्ट्स उठा के लेके जाते हैं और कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो सिंपली इतना ही उसमें प्रोसेस रहता है, बाकी कोई ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं रहता है। बट इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगी, क्योंकि इनिशियली जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं तो उसके जो गाइडलाइंस है, उसके जो भी फीचर्स है वो हमको पता नहीं रहता है, उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं रहता है, और हम प्रोडक्ट डाल तो देते हैं बट वो सेल नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और नॉलेज नहीं रहता है अपने पास में। सो इसी के लिए दोस्तों मैंने जो चैनल है वो बनाया है अपना, जिससे कि मैं जो जो भी वीडियोस बनाऊंगा, लाइक हम जो फर्स्ट मॉड्यूल में हम कवर करेंगे वो रहेगा अमेजोन का ट्रेनिंग, जिसमें कि मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर डॉक्यूमेंटेशन से लेकर टोटल सेल्स तक कैसे आपको ऑर्डर आएगा आपके, आप एक भी प्रोडक्ट आप डालते हो ऑनलाइन या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट डालते हो तो आपको ऑर्डर्स कैसे आएंगे और उनको फुलफ़िल कैसे करना है, वो फुलफ़िल बाय मर्चेंट रहेंगे, मीन्स आप फुलफ़िल उनको करेंगे या फिर अमेजोन उनको फुलफ़िल करेगा या फ्लिपकार्ट उनको फुलफ़िल करेगा, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर अगर सेल करते हो तो। सो ये है वो दोस्तों। देन उसके बाद में सेकंड जो हमारा कंटेंट है वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम अगर आप एमएसएमई है, आप छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, और आप अगर कोई भी अगर प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो तो वो आप ग्लोबली आपको अगर लेके जाना है तो कैसे एक्सपांड कर पाओगे, इसके बारे में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको नॉलेज ट्यूटोरियल्स मैं दूंगा आपको, कि आपको प्रोसेस कैसी है उसकी, क्योंकि बहुत सारे अपने प्लेटफॉर्म्स है ग्लोबल रीच करने के, जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट डाल सकते हो, सेल भी कर सकते हो और ऑर्डर्स भी ले सकते हो एक्सपोर्ट के, बट क्या क्या उसके गाइडलाइंस है, क्योंकि हम पैकेजेस तो ले लेते हैं जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर ग्लोबल बायर्स को रीच करने के लिए, बट पैकेज लेने के बाद में प्रॉपर जो है हमारा गाइडेंस नहीं रहता उनके अकॉर्डिंगली, इसलिए हम फेल भी हो जाते हैं कभी कभी। तो मेरा जो है, मेरा सर्टिफिकेशन हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो मैं आपको गाइड करूँगा उसके रिगार्डिंग, कि कैसे आपको एक्सपोर्ट के ऑर्डर लेना है, कैसे आपका एक ऑनलाइन स्टोर आपको बिल्ड करना है, जिससे कि आप होलसेल भी कर पाओगे एज वेल एज रिटेल में भी ग्रो कर पाओगे। और ई कॉमर्स की अगर बात करें तो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है दोस्तों। चाइना में ऑलमोस्ट 25% उसका पेनिट्रेशन है ई कॉमर्स का, बट जो इंडिया है, इंडिया में सिर्फ 5% का पेनिट्रेशन है, और 2019 में ये जो इंडस्ट्री थी ये ऑलमोस्ट 32 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री थी, बट बढ़ के ये जो 2020 है अभी जो चल रहा है इसमें ये जो इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट 40 बिलियन डॉलर क्रॉस करके चली जाएंगी, ऑलमोस्ट 280,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री हो जाएंगी। तो आप समझ सकते हो कि कितना पोटेंशियल है ये फील्ड में। तो दोस्तों ई कॉमर्स हो गया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, देन थर्ड हमारा जो कंटेंट है वो ड्रॉपशिप से लेकर। ड्रॉपशिपिंग में भी आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर बिल्ड कर सकते हो, और ड्रॉपशिप में क्या होता है दोस्तों, आपके पास में आपको फिजिकली कोई इन्वेंट्री बिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जो होलसेलर्स है, जो मर्चेंट्स है ऑलरेडी जो बेच रहे हैं ऑनलाइन सामान, उनसे ही आप प्रोडक्ट लेके उनको डायरेक्ट ड्रॉपशिप करवा सकते हो कस्टमर के साथ में। यानी आप अपने घर पे रहोगे
और आपका प्रोडक्ट जाएगा दूसरी प्लेस से कस्टमर के हाथ पे। सो ये हो गया दोस्तों ड्रॉपशिप मॉडल। देन थर्ड फोर्थ हमारा जो कंटेंट है वो टेक्निकल एस्पेक्ट से लेकर बिजनेस के कितने जो जो भी गाइडेंस रहेगा, जो जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स रहेंगे बिजनेस के, लाइक आपको कौन से सॉफ्टवेयर आपको बिजनेस में यूज़ करना है, आपको अकाउंटिंग कैसे प्रॉपर मैनेज करनी है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप कोई ऑर्डर प्रोसेस करते हो। यही मैंने अपना एक जो चैनल है वो बनाया है जिसमें कि मैं खुद भी जो ऑनलाइन बिजनेस के नए नए मेथड्स है वो ट्राई करूँगा और आपको भी सिखाऊँगा कि आप भी कैसे ग्रो कर पाओगे इस इंडस्ट्री में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। और कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज़ आती नहीं है, हमको खुद क्रिएट करनी पड़ती है अपॉर्चुनिटीज, और तभी जाके हमको सक्सेस मिल पाती है और हम ग्रो कर पाते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं लाऊँगा, इसके लिए सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।